सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, आज का क्वेश्चन होने वाला है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी। इससे होने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट नोमेरिकल है ये, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट नोमेरिकल है जिसकी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है इस बार हमारी, ठीक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है हमारा रासायनिक बलगतिकी का है। तो देखिए, यदि उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो लगातार इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं इस बार बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए, ठीक है। यदि आप देखें मैथ्स से हैं और फिजिक्स तो आपके पास हो गई, और केमिस्ट्री के सभी वीडियो, मतलब इन तीनों सब्जेक्ट के सभी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन है क्या। लिखा है प्रथम कोटि। अब देखिए, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया। अब देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आपको सूत्र पता होना चाहिए, पहले ही बोल दिया है। यदि आपने प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक नहीं देखा है, सिद्ध कैसे करते हैं, प्रूफ कैसे करते हैं, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले टॉप पर दिया हुआ है हमने उसका लिंक, डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिंक इसी का होगा। देखिए, क्या है कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया 75% पूर्ण होने में 60 मिनट लेती है। अब यहाँ पर हमें समय दे दिया है और अभिक्रिया 75% पूर्ण होगी वो दे दिया है। इस अभिक्रिया की अर्धायु की गणना करनी है हमें, ठीक है। इस अभिक्रिया की अर्धायु की गणना कीजिए। अब देखिए, आप जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया से क्या जानते हैं, जानते हैं, हल लिख दीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, देखिए इससे पहले हमने दो करा चुके हैं इस चैप्टर के, आप उन्हें देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है ये, इससे पहले हमने दो करा चुके हैं, उनका दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, या तो आप सभी वीडियो देख सकते हैं केमिस्ट्री के, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा। अब देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक जरूर पता होना चाहिए, कैसे प्रूव करते हैं, क्या होता है, ठीक है। अगर नहीं देखा तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दोबारा दे दिया, बोल दिया आपको, जाके देख सकते हैं क्या होता है। वो होता है हमारे पास टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, ठीक है, लॉग, ठीक है, यहाँ पर हल्का सा टेन जैसा कुछ बना हुआ होता है, वो होता नहीं है, ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब देखिए, यहाँ पे पता होना चाहिए ए क्या है और ए माइनस एक्स क्या है। देखिए, ए है हमारी प्रारंभिक सांद्रता और जो एक्स है वो होता है हमारा टी समय के बाद सांद्रता, ठीक है। तो लिख लेते हैं, प्रारंभिक सांद्रता कितनी होगी हमारी, 100 होती है। कोई भी चीज़ हो वो अपने आप में 100 होती है, तो सांद्रता भी 100 होगी। तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी होगी, ए इज इक्वल टू 100 होगी। और अभिक्रिया में जो पूर्ण हुई है वो कितनी है हमारी, अभिक्रिया में पूर्ण, अभिक्रिया में पूर्ण होने वाली सांद्रता, ठीक है, अभिक्रिया में पूर्ण होने वाली सांद्रता क्या होती है हमारी, एक्स होती है। तो एक्स लिख लीजिए, कितनी थी हमारी, 75% थी, तो 75, ठीक है। जो शेष सांद्रता बची है वो कितनी बची है, शेष सांद्रता, देखिए प्रारंभिक सांद्रता ए थी जो थी 100 थी, और शेष एक्स थी हमारी अभिक्रिया में पूर्ण सांद्रता। तो जो शेष बची होगी वो इसमें से ये घटा होगा, नहीं, यानी कि ए माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना बचेगा, ए कितना था 100 माइनस 75, तो जो बचा हमारा वो बचा कितना, 25। तो जो शेष सांद्रता है वो है हमारी 25। अब समय दिया हुआ है हमें कितना, दिख नहीं रहा था, देखिए 25 बचा है। अब समय कितना दिया हुआ था हमें, समय टी को टी से लिखेंगे, इज इक्वल टू कितना दिया था, 60 मिनट, 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट हमें समय दिया हुआ था। अब देखिए, आपको सिर्फ कुछ करना नहीं है, इसको आप रख लीजिए इस फॉर्मूले में, ठीक है, जो प्रथम कोटि का अभिक्रिया है। हमें क्या निकालना था, अर्धायु, अर्धायु निकालना था हमें, ठीक है। तो अर्धायु निकालने के लिए बहुत सिंपल ट्रिक है ये, चलिए अर्धायु निकाल लेते हैं अब इसको। देखिए, आप करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान देना है, टी 60 रख दीजिए, ये टी के स्थान पर 60 आ गया हमारा, इज इक्वल टू, बाकी ऐसी रखिए 2.303 अपॉन के, ठीक है, लॉग 10 को ऐसी रखिए हल्का सा जो है, ए 100 है बटे ए माइनस एक्स, यानी 100 माइनस 75, या तो सीधे 25 आप रख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमारा 60, एक काम करिए, के को आप यहाँ ले जाइए, के इज इक्वल टू 2.303, के का मान निकालना पड़ेगा यहाँ से हमको, 60 इसके बटे में, कि हमारा इधर गुणा में चला गया, ठीक है, लॉग हल्का सा 10। अब देखिए, 100 अपॉन 25 बचा हमारा, तो देखिए इससे ये कैंसिल, कितना आया, 4,
ठीक है, कितना आया 4, तो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 लॉग 10। अब देखिए 4 लिखा हुआ है तो आप इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ठीक है, ये लिख सकते हैं आप 2 इंटू 2। अब लॉग देखिए 10 मैंने बता दिया कि 10 ऐसे ही होता है, ठीक है, तो लॉग 2 का मान कितना होता है, हमारा लॉग 2 का मान होता है 0.3010, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो के इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन 60 लॉग, अब देखिए लॉग 2 का मान कितना होता है 0.3010 इंटू 2, हमारा ये ऐसे रहेगा क्योंकि लॉग 2 इज इक्वल टू होता है 0.3010, ठीक है, लॉग 2 का मान ये होता है हमारा, तो ये हमने पुट कर दिया है यहाँ पे। देखिए इसको फाइनली जब हल करेंगे तो हमारा आएगा के इज इक्वल टू 2.31 इंटू 10^-2 मीटर इनवर्स, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा, मीटर नहीं आएगा, ये मिनट आएगा क्योंकि हमने के का मान निकाला है, ठीक है, मिनट इनवर्स, ठीक है। तो इतना हमारा ये हो चुका है। देखिए अब ये तो सिर्फ गुणा भाग करनी है, अगर आपको ये नहीं आता तो आप इसको सीख लीजिए, अब ये हम इसमें वीडियो में नहीं बताने वाले क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। तो गुणा भाग तो सिंपल है, गुणा भाग करनी है, कुछ भी हमें यहाँ पे नहीं करना है, इससे आप सीधे कैंसिल कर सकते हैं, 2 से सीधे यहाँ पे देखिए इसको आप इससे कैंसिल कर सकते हैं, 30 आ जाएगा 30, ठीक है, अब तो आप कर ही सकते हैं इसको आसानी से, है ना, छोटा हो गया बहुत ज़्यादा, तो ये कैलकुलेट करके इतना हमारा आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या था उसमें, अर्ध आयु निकालना था, चलिए अर्धायु निकाल लेते हैं। तो देखिए अर्धायु का ये फॉर्मूला होता है प्रथम कोटि के लिए, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु, ठीक है, अर्धायु कितनी होगी, टी हाफ होती है इज इक्वल टू 0.693 अपॉन होता है हमारा के, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है अर्धायु का। अब देखिए इसमें आपको कुछ नहीं ना, के की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और कुछ यहाँ पे नहीं करना, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से टी हाफ इज इक्वल टू अर्ध आयु, मतलब आधी आयु, ठीक है, अर्धायु वही हो गया, तो 0.693 हमारा ऐसे रहेगा, 0.693 देखिए इसको हमने ऐसे रखा, अपॉन ऐसे रहेगा टी, के स्थान पर ये सारा का सारा वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, 2.31 इंटू 10^-2। अब देखिए इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल इसको हल करना है, अगर आपको हल नहीं करना आता तो आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो आप इसको सीखना पड़ेगा। अब देखिए इसको आप ऊपर पहुँचा दीजिए फाइनली, देखिए 0.693 अपॉन 2.31 इंटू ऊपर जाएगा तो 10^2 हो जाएगी प्लस की, ठीक है। अब इसको फाइनली कैलकुलेट देखिए, पॉइंट से पॉइंट कटेगा इससे इसमें भाग देंगे तो कैलकुलेट कितना हो जाएगा हमारा, टी हाफ इज इक्वल टू आएगा 30 मिनट। तो हमें ये निकालना था अर्धायु, देखिए ये तो कैलकुलेट मतलब नॉर्मल सी चीज़ है, ये तो आपको आती होगी, कैलकुलेट करना तो आप हर किसी को आता ही है, चाहे बायो से हो, क्योंकि 10th तक तो हर किसी ने लगभग लगभग मैथ पढ़ी होती है, 8th तक तो पढ़ी ही होती है हर किसी ने, ठीक है, तो ये तो कैलकुलेट करना तो बहुत सिंपल है क्योंकि ये तो हर किसी को आता ही आता है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो ये पसंद आया होगा, हमने निकाल दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन है ना, आप इसको तैयार कर लीजिए अच्छी तरीके से। तो उम्मीद तो यही करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।